रीवा की सौगात मुंबई स्पेशल ट्रेन में लग सकता है ग्रहण। मुंबई स्पेशल में जगह नहीं, ट्रेन लेने से अधिकारियों ने किया इनकार। स्थान के अभाव में मुंबई रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने ट्रेन लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल मुंबई स्पेशल की सेवाएं बंद है। रीवा शहर को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली ट्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुंबई रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने इस ट्रेन को लेने में असमर्थता जताई है। स्थान के अभाव में मुंबई रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने ट्रेन को लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यदि जल्द समस्या दूर नहीं हुई तो ये ट्रेन लंबे समय के लिए निरस्त हो सकती है। रीवा के छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल ट्रेन नंबर 2185 साप्ताहिक ट्रेन है। ये रीवा से गुरुवार को दोपहर 3:50 पर रवाना होती है और शुक्रवार को ये दोपहर 12:20 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचती है। रीवा के लोगों के लिए वास्तव में एक बड़ी सौगात थी जिस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अभी तक जो बताया गया है उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में ट्रेनों की संख्या ज़्यादा है और स्थान कम है। इससे रेलवे के अधिकारियों ने इस ट्रेन को लेने से इनकार कर दिया है। अब ये ट्रेन 6 अक्टूबर से रीवा और 7 अक्टूबर से मुंबई से अग्रिम आदेश तक कैंसिल कर दी गई है, जिसकी आधिकारिक जानकारी रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी की गई है। हालांकि 3 अक्टूबर को ये ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई है, लेकिन 6 अक्टूबर को ट्रेन कैंसिल रहेगी। ये ट्रेन 3 साल पूर्व शुरू की गई थी, जो सप्ताह में एक दिन के लिए चलती थी। हालांकि इस खबर के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। अधिकारी वही करेंगे जो सरकार चाहेगी, ना कि सरकार वह करेगी जो अधिकारी चाहेंगे। हालांकि ये तो अपने विवाद संसद के बेबाक शब्द हैं। अब देखना ये है कि रीवा के लोगों को दी गई ये सौगात कब तक के लिए वापस ली जाती है। अखबारों में छप रहा है, लेकिन अभी मेरे कोई अधिकृत न तो कैंसिलेशन हुआ है न कुछ है। दिसंबर तक बड़ी है मेरी जानकारी के अनुसार, अभी दिसंबर के बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे। मुंबई का प्लेटफॉर्म मना कर दिया गया, जगह नहीं। प्लेटफॉर्म मना करेगा कि सरकार जो करेगी वो कहेगा, सरकार चाहती है वो होगा।